हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर टोनर की रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को कुदरती रूप से काला कर पाएंगे। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फ्रेंड्स बताती हूँ आपको कि इस हेयर टोनर को बनाना कैसे। यहाँ पर मैं एक पैन में एक गिलास के करीब पानी ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आंवला पाउडर। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है, ड्राई आंवला है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आंवला पाउडर ले रही हूँ। ये भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आंवला पाउडर का एक चम्मच ले रही हूँ और मैं इस आंवला चूर्ण का एक चम्मच इसमें पानी में ऐड कर लूँगी। और अब मैं इसमें सेकेंड चीज़ जो ऐड करूँगी वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, वो है ब्लैक सीड्स यानी कि काली कलौंजी। काली कलौंजी भी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये भी आपको आसानी से आपके घर में ही अवेलेबल हो जाएगी। काली कलौंजी का भी मैंने यहाँ पे एक चम्मच ले लिया है और अब इसमें मैं थर्ड चीज़ जो ऐड करूँगी वो है मेथी दाना। जी हाँ फ्रेंड्स, मेथी दाना भी हमारे बालों को काला करने में और हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब मैं इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी वो है रीठा। यहाँ पर मैं चार रीठा ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रीठा। अगर आपके पास रीठा पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं रीठा साबुत ले रही हूँ और इसके मैं छिलके उतार के इसमें गिर लूँगी। आप चाहे तो इनको डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इनको इनका बीज निकाल के इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैंने फ्रेंड्स इन चारों रीठा के बीज निकाल के इसमें ऐड कर लिया है और अब मैं इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करूँगी वो है सीखाकाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सीखाकाई। सीखाकाई का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साबुत कर रही हूँ। अब मैं इनको छोटे छोटे अमाउंट तोड़ के इसमें ऐड कर लूँगी। मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया हुआ है फ्रेंड्स, वो भी धीमी आंच पे। आपको इनको अच्छे तरीके से हिलाते हुए ऐसे ही पकाना है जब तक कि हमारा ये एक गिलास पानी आधा गिलास ना हो जाए और हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें अच्छे तरीके से पक ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे इस पानी में बाउल आना शुरू हो गया है और हमारे पानी का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। आपको इनको अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि बिल्कुल थिक ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें अच्छा सा बाउल आ गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे रख देंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हेयर टोनर है जो बिल्कुल रेडी हो गया है और ये भी ठंडा भी हो गया है। और अब मैं इसको एक किसी बाउल में स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी। आप चाहे तो इसको किसी कपड़े की हेल्प से भी छान सकते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान रही हूँ। छानने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे कि हम किसी अपने बालों में ऑयल की जप्पी करते हैं, उसी तरीके से आपको इसको हेयर टोनर की टोनर का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इनका अपने हाथों की फिंगर की टिप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप किसी बोतल में डाल कर इसको स्प्रे के भी कर सकते हैं। ये हेयर टोनर हमारे बालों को काला कुदरती रूप से काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हमारे बालों को शाइन करता है और हमारे बालों को लंबा भी बनाता है, लंबा घना भी बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।